पीके और ओएमजी का प्लॉट सेम है? क्या कॉमन मैसेज दिया है इन दोनों फिल्म्स ने? ओएमजी फिल्म एक रियलिस्टिक और रिलीजियस फिल्म है जिसमें दिखाया गया था होप्स, लव और अंधविश्वास से कितना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। फिर परेश रावल उसके अगेंस्ट लड़ते हुए नजर आते हैं कोर्ट में। अब उसी फिल्म का सीक्वल आने जा रहा है जिसमें अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, अनिल ग्रोवर और यामी गौतम नजर आने वाले हैं लीड रोल में। और ये फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करने वाली है एजुकेशन सिस्टम पर। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म ओ माई गॉड 2 के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इस फिल्म ओएमजी 2 के जैसे एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है पीके 2, जिसके फर्स्ट पार्ट में यही बताया गया था कि आमिर खान एक दूसरे प्लैनेट से आते हैं, ना आते ही उनके साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। और ये मूवी फॉलो अप करती है अंधविश्वास पर, जिसमें दिखाते हैं कैसे लोग कोई भी साधु या किसी पे भी विश्वास करते हैं। बता दें कि इसमें आमिर खान और अनुष्का शर्मा लीड में दिखाई दिए थे एंड सुशांत सिंह का इम्पोर्टेंट रोल था इस फिल्म में। अब ओएमजी 2 फिल्म में भी ऐसा ही कुछ होता है जिसमें परेश रावल के साथ कुछ हादसा होता है एंड वो उंगली उठाते हैं भगवान पर और फिर एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। बता दी कि ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी और दोनों फिल्म के एंड में यही बताया गया है कि हर कोई साधु सच नहीं होता है एंड लोगों के दिमाग से वो वहम निकालने का ट्राई किया है। बता दी कि ये फिल्म ने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है। अब ये फिल्म ओएमजी 2 के पहले ये दोनों फिल्में देख सकते हैं कि क्या जॉनर और प्लॉट था एंड सीक्वल कैसा दिखाई देने वाला है और क्या ओएमजी 2 की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी जहां से फर्स्ट फिल्म एंड हुई है, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलने ही वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और ऐसी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं एंड लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे अपनी अपडेट के साथ। थैंक यू।